हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोज़ाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो आज आपको दिखाऊंगा मैं रात के समय किस तरह मेरे गांव से वाइल्ड लाइफ की जो एक्टिविटी है वो सुनने को मिलती है। देखने को तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास टॉर्च नहीं है। अगर टॉर्च होता तो शायद मैं आपको रात में वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पर गाँव में जो आती है वो दिखा पाता, किस तरह के एनिमल्स जंगल से गांव की तरफ मूव करके आते हैं वो दिखा देता। बट टॉर्च ना होने की वजह से तो नहीं दिखा पाऊँगा। बट हाँ, इतना है कि अगर किसी तरह की कोई अलर्ट कॉल अलार्म कॉल हुई ना, खतरे की जो संभावना जैसे एनिमल्स को लगती है, तो उस तरह की कोई कॉल हुई तो आपको ज़रूर आज के इस कंटेंट में दिखाई जाएगी। बाकी कह सकते हैं कि आप पूरा अंधेरा आपको देखने को मिलेगा। ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही कोई घेरबाड़ है, कह सकते हैं गांव की पूरी तरह से गांव ओपन है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी गांव में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं तो वो चीज़ें बाद में, बट आपको दिखाएंगे आज रात में क्या चीज़ें हैं। तो पूरा गांव काफ़ी दिक्कतों का सामना करता है, ये तो 100% है। चाहे आप लाइट से गए, चाहे आप पानी से गए, चाहे आप गांव की चारों तरफ बाउंड्री से गए, मतलब एक बेसिक से बेसिक नीड जो भी है ना, उन सभी चीज़ों को लेकर गांव काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करता है हर चीज़ को लेकर। खेतों में किसी तरह की कोई साग सब्जी भी नहीं बो पाते गांव के लोग, क्योंकि एनिमल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं अभी तो, हद से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहा है अभी वाइल्ड लाइफ, जो कि रात के समय पूरा का पूरा गाँव में होता है। तो उम्मीद है कि आप जरूर कंटेंट में बनेंगे और हो सके तो आज रात अगर कोई अलर्ट कॉल हुई तो आपको दिखाई जाएगी। तो देखते हैं आज रात का समय। ये देखिए गाइस, अभी मेरे घर के सामने इस जगह पर खेत में चीतल सामने से ही कर रहा है कॉल। अभी क्या हो जाए, पता नहीं क्या आ गया यहाँ पे है जैक। तो सामने अभी काफ़ी सारी गाड़ियां चल रही हैं और अगल बगल पड़ोस के जो डॉग्स हैं वो सारे भौंकने लगे हैं, क्योंकि जैक काफ़ी देर से भौंक रहा था। अभी सामने आप देख सकते हैं इस जगह पे बैठा हुआ है जैक। ये देखिए, इसकी आंखें चमक रही हैं। इसने सारे कुत्ते जो भी हैं आसपास पड़ोस के सारे अलर्ट कर दिए, तो अभी सारे कुत्ते भौंकने लगे हैं और जैक अभी चुप हो चुका है क्योंकि मैं बाहर आया हूँ, तो इसीलिए अभी जैक चुप है। बाकी काफ़ी ज़ोरदार भौंक रहा था अभी तो। ये तो कुछ ये है यहाँ पे अभी रात का समय, एनिमल्स गांव में एंटर कर चुके हैं तो इसीलिए अभी डॉग्स जो है भौंकने स्टार्ट कर रहे हैं। चल भाई जैक, चल अंदर अंदर। तो गाइज अभी सामने आप देख पा रहे हैं अभी गाड़ियां भी चल रही हैं और फॉरेस्ट से अभी स्पॉटेड डियर की कॉल भी हो रही है। तो देखिए, अभी मैं अपने घर के पास में ही हूँ और सामने मेरे जस्ट आगे की तरफ से ही, ज्यादा दूर नहीं है, देख रहे हैं गाइस।
मेरी कॉल। ये देखिए कुछ लोग अभी टॉर्च भी मार रहे हैं ना, सामने से लगाई जा रही टॉर्च। तो आपको टॉर्च की रोशनी से दिखाता हूँ एक बार, अगर कुछ देखने को मिल जाता है तो। बाय द वे अभी टॉर्च लगाई जा रही है और सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये घर है मेरा, और घर के जस्ट पास में सामने इस जगह पर कंटिन्यूसली गाइस कॉल हो रही है। सामने ये देखो व्हीकल भी आया, मेरे घर के पास में ही गाइस कॉलोनी घर के पास में। इतनी लगातार कॉल होने का मतलब है कि इसके आसपास में इसके लिए खतरा आप कह सकते हैं 100% है, क्योंकि आजकल इस जगह पे लैपर्ड तो नहीं देखने को मिल रहा है। तो पनौत के छोटे नाले की बात आपको मैं बताऊं, जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा भी है, मेरे घर पे जो नल का काम कर रहे हैं ना, जो कुआं खोद रहे हैं, तो वो लोग जब गांव से ऊपर मेरे घर की तरफ आ रहे थे तो उन लोगों ने छोटे पनौत के नाले पर सुबह के समय टाइगर को क्रॉस होते हुए देखा था उस नाले से। तो टाइगर ठीक पनौत के छोटे नाले से, जहाँ पे कि अभी ये स्पॉटेड डियर कॉल कर रहे हैं, तो इसी जंगल की तरफ आगे की तरफ आया था। तो हो सकता है कि अभी वो फिर से नाइट में इस जगह पर आया हो, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर कि आप कह सकते हैं जो थोड़ी चढ़ाई होती है ना वो नहीं है इस जगह पर, और जो नाले वाली जगह है कुछ इस तरह की जगह है इस जगह पर भी, तो आसानी होती है थोड़ी एनिमल्स को नीचे आने में। तो मुझे लग रहा है अभी इनके आसपास में कहीं टाइगर है जो कि घात लगा के बैठा हुआ है, और स्पॉटेड डियर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। देख रहे हैं लगातार कॉल हो रही, लगातार जब से आप कंटिन्यूअसली कॉल तो सुन ही रहे हैं। ये देखिए मेरे घर के पास में ही है कॉल, ज़्यादा दूर तो है ही नहीं। देखते हैं आज कितनी देर तक ये कॉल चलती है। बाकी आप चेक कर पा रहे हैं, देखो अभी काफ़ी सारी गाड़ियां भी इस जगह पर आ रही हैं। ऐसा नहीं कि सड़क अभी खाली है, अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं है गाइस। टाइम आपको बताऊं तो मैं अभी 10:30 का समय हो रहा है, तो 10:30 बजे अभी इस जगह से कॉल हो रही है। मगर एक चीज़ है, अभी जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे स्टेबल हो चुके हैं, चल नहीं रहे, क्योंकि अगर चलते तो हम फॉरेस्ट से पत्तों की जो आवाज़ें हैं उनके चलने से आती।
क्योंकि जंगल में कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनमें कि पतझड़ हुआ है, तो उनके पत्ते भी गिरे हुए हैं, और वैसे भी काफ़ी सारे पत्ते गिरे हुए होते हैं, तो उससे थोड़ी ये होता है ना कि जो चलने की आवाज़ है वो सुनने को मिल जाती है। अभी स्पॉटेड डियर कॉल तो कर रहे हैं बट चल नहीं रहे, एक ही जगह पे रुके हुए हैं, और किसी अदर एनिमल्स की भी चलने की कोई हलचल इस जगह से नहीं देखने को मिल रही है। तो अभी ये देखिए, अभी गाड़ी की रोशनी से थोड़ी बहुत इस जगह पर रोशनी हुई है। तो अभी ये व्हीकल भी रुक चुका है इस जगह पर, देख रहे हैं ना, सामने व्हीकल रुका है। तो अभी इस जगह से हो रही है कॉलिंग, कॉलिंग हो रही है गाइस, बहुत ही खतरनाक, देख रहे हैं। तो अभी ना फिर से कॉल जो हो रही थी वो तो हो चुकी है बंद, तो देखते हैं थोड़ी देर फिर से अगर हमें कॉल सुनने को मिल पाई तो वेल एंड गुड। बाकी टॉर्च की रोशनी भी लोग लगा ही रहे थे, जैसा कि आपको पता है इस जगह पर जितने भी लोग हैं थोड़ी घबरा जाते हैं इस तरह की कॉलिंग को सुनकर, क्योंकि गांव में पूरी तरह से आप कह सकते हैं अंधेरा है और बाउंड्री वाउंड्री भी नहीं है, तो थोड़ी कहीं ना कहीं डर लग ही जाता है। तो इसलिए टॉर्च वार्च वो चीज़ों से थोड़ी देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ एनिमल्स कहीं घर के पास में तो नहीं आ रहा, अगर घर के पास में आ रहा है तो उसे भगाने की कोशिश की जाती है कि वो घर के पास में ना आए। तो उसी के चलते अभी टॉर्च भी लगाई जा रही थी कुछ देर पहले, और अभी एनिमल्स की जो कॉल थी वो भी बंद हो चुकी है। तो गाइस फाइनली अभी कह सकते हैं कि समर तो स्टार्ट हुआ है पर पूरी तरह से रात के समय ठंड ख़त्म नहीं हुई है, तो अभी थोड़ा बहुत ठंड भी है, फिर भी कॉलिंग हो रही थी तो मुझे लगा चलो इस ठंड को झेल लेते हैं। बाकी आप फिर से साउंड चेक कर सकते हैं, ये देखिए फिर से कॉल होना स्टार्ट हो गया है, मतलब 100% है कि इस जगह पर टाइगर है, और जो कि अभी इन्हें परेशान कर रहा है। देख रहे हैं लगातार कॉल हो रही, लगातार जी। मुझे तो लग रहा था कि थोड़ी ठंड लग रही है, मुझे अंदर चला जाना चाहिए, मगर अभी कॉल सुन के तो बस अब क्या ही बोले। अब देखिए कितनी जबरदस्त कॉल हो रही है, देख रहे हैं ठीक मेरे घर के पीछे गाइस, ठीक मेरे घर के पीछे, सामने ये मेरा घर, और आप चेक कर सकते हैं अभी घर के बाहर कितनी रोशनी है, थोड़ा ही रोशनी है सिर्फ, पूरी तरह से ये देखिए अंधेरा है और मेरे घर के चारों तरफ, और इस जगह से भी थोड़ी बहुत ओपन है मगर थोड़ी सड़क का किनारा है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, मगर पूरी तरह से ये भी ओपन है, देख रहे हैं। और कॉल आप देखिए मेन सड़क से नहीं भी तो 50 मीटर की दूरी भी नहीं है गाइस, 50 मीटर, 50 मीटर किसे कहते हैं आप सोच सकते हैं, 50 मीटर की दूरी पर भी नहीं है अभी एनिमल्स जो कॉल कर रहे हैं।
ये देखिए सामने, अभी ये देखिए टॉर्च लगाई जा रही है, देख रहे हैं आप, टॉर्च लग रही है, बट जो टॉर्च लगा रहा है उस जगह से टॉर्च एकदम क्लियर नहीं लग पा रही है, क्योंकि इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा हाइट है। तो सामने अभी एक गाड़ी आई है, देखते हैं थोड़ी इस गाड़ी की रोशनी से अगर देखने को कुछ मिल जाता है तो। नहीं गाइस, देखने को नहीं मिला, और सामने इस जगह से लगाई जा रही टॉर्च। ये देखिए जो स्पॉटेड डियर है चिल्ला चिल्ला कर थक चुका है, उसकी जो साउंड है वो भी कम हो चुकी है, और कह सकते हैं जो उसकी जो आवाज़ थी उसमें पूरी तरह से चेंज आ चुका है। मतलब इतनी देर से चिल्लाना और वो भी कंटिन्यूस, तो क्या ही बोल सकते हैं आपकी। अगर हम भी इतनी देर चिल्लाएं या हम ज़्यादा देर बातें कर लेते हैं तो खुद हमारी आवाज़ बैठ जाती है, या चिल्ला जाते हैं जब भी बैठ जाती है, तो सोचिए उसका क्या हाल हो रहा होगा अभी डर के मारे। और शायद वो अभी अकेला तो नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे और भी बोल रहे थे, बट अभी एक ही बोल रहा है। और इस जगह से एक म्यू की आवाज आई थी अभी, तो अभी चलो मैं तो चल रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि आप देख ही सकते हैं अभी कंटिन्यूअसली। नहीं भी तो 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं इस कॉल को। देखिए बार बार टॉर्च जो है मेरे घर के पीछे की तरफ लगाई जा रही है, क्योंकि ये अभी मेरे घर के पीछे की साइड से ही बोल रहा है। डिस्टेंस आपको बता ही चुका हूँ, 50 मीटर की दूरी भी नहीं है गाइज अभी, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इतने नज़दीक आने का मतलब ये है कि ह्यूमन बींस का सहारा अभी ये स्पॉटेड डियर लेना चाह रहा है, तो इसीलिए इतने नज़दीक है घरों के। नहीं तो ये अंदर फॉरेस्ट में होता, सहारे की वजह से अभी इस जगह पर आया है। तो गाइज देख रहे हैं ना आप किस तरह से कॉलिंग हो रही है, बहुत ज़ोरदार कॉलिंग हो रही है, कंटिन्यूस कॉलिंग हो रही है। मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको, अभी कॉल नहीं भी तो 12 से 13 मिनट हो चुके हैं, मैं तो कह रहा हूँ इससे अधिक भी समय हो चुका है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर से कॉलिंग हो रही है। फिर भी मैं एक रफली आइडिया बता रहा हूँ कि आपको 12 से 13 मिनट, हो सकता है 15 मिनट से भी ऊपर हो चुके हों, तो अभी कॉलिंग हो ही रही है। तो आप देख रहे हैं अभी जैसा कि मैंने आपको बताया टाइम टाइम अभी 10:30 क्रॉस कर चुका है गाइस, 10:30 बजे इस जगह पे कॉल हो रही है। बीच में अभी नहीं भी तो 8:30 बजे घर के पास में काफ़ी सारे एनिमल्स आ गए थे, कॉल होना स्टार्ट हो गई थी, बट क्या करें उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे जो घर के काम थे वो करने थे, तो इसलिए थोड़ी मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो अभी जैसा कि सारे काम करके थोड़ी फ्री हो चुका हूँ, और जैसे ही सोने गया था तो देखा कि कॉलिंग होने लगी बहुत ज़ोरदार, तो मुझे लगा कि चलो क्यों ना इस कॉल को रिकॉर्ड किया जाए और आपको बताया जाए कि अभी मेरे घर के जस्ट पीछे एनिमल्स आ चुके हैं। सो ये चीज़ें हैं अभी मेरे गांव से सुंदर खाल से गाइस, और आपको दिखा ही चुका हूँ अभी कितनी लाइट है इस जगह पर, और जैसा कि आप सड़क किनारे की साइड में अभी देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा सीधे सड़क मेरे जस्ट पीछे आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी व्हीकल भी दिखेगा। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सामने अभी पूरी तरह से व्हीकल देखने को मिल जाता है, मतलब घेर बाड़ भी इस जगह पर नहीं है और ना ही
लाइट है। तो ये चीज़ें हैं, गांव में काफ़ी कठिनाई के साथ में लोग रहते हैं, तो क्या ही बोले आपको।